ए में भी और प्लेयर बी में भी, अगर दोनों में कॉमन आ गया, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं सैडल पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? सैडल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऑपरेशनल रिसर्च में गेम थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, गेम थ्योरी को कैसे बनाया जाता है इसके कुछ रूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेशनल रिसर्च में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गेम थ्योरी। गेम थ्योरी का यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स और डेफिनेशन को लिखा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे गेम थ्योरी को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है गेम। आज से सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गेम होता क्या है, ठीक है। आ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन इज कॉल्ड अ गेम, ठीक है। मतलब ये कॉम्पिटिटिव सिचुएशन होता है, ठीक है, जिसमें प्लेयर्स होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे, ठीक है, और फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज होंगे, तो उस प्रकार के सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं? गेम कहते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ गेम की अगर बात करें, इट इज द एक्सपेक्टेड पे ऑफ प्ले व्हेन ऑल द प्लेयर्स अडॉप्ट देयर ऑप्टिमम स्ट्रेटजी डिनोटेड बाय वी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ गेम हम लोग किसे कहेंगे? अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है, मान लीजिए कि प्लेयर ए है और प्लेयर बी है, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रेटजी होगा, मान लेते कि प्लेयर ए का स्ट्रेटजी क्या है? 4 है, और प्लेयर बी का स्ट्रेटजी क्या है? 4 है। तो ये जो दोनों का कॉमन आया, तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ गेम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फेयर गेम। अ गेम इज सेड टू बी फेयर इफ द वैल्यू ऑफ गेम इज 0। अगर वैल्यू ऑफ गेम 0 हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा? फेयर गेम कहलाएगा। दैट मींस अगर v बराबर 0 हो जाता है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? फेयर गेम कहेंगे। नेक्स्ट है सैडल पॉइंट। अब देखते हैं कि सैडल पॉइंट क्या होता है। द पॉइंट वेयर मैक्सिमम इज इक्वल टू मीन मैक्स इज कॉल्ड द सैडल पॉइंट ऑफ द गेम, ठीक है। किसी गेम में अगर मैक्सिमम इज इक्वल टू मिनी मैक्स हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैडल पॉइंट कहेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे फाइंड आउट करके हम लोग देखेंगे कि सैडल पॉइंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मैक्सिमम को हम लोग डिनोट करते हैं वी डैश से, ठीक है, और मीन मैक्स को डिनोट करते हैं वी डैश अपर में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि सैडल पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग 2-0 गेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैट्रिक्स है, ठीक है, पे ऑफ मैट्रिक्स है 10, 5, 2, 6, 7, 3, 4, 8, 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया है प्लेयर ए, ठीक है, प्लेयर ए 1, 2, 3, ठीक है, ये वाला इसका हो जाएगा, ठीक है, टोटल यानी रो हो जाएगा, और ये जो कॉलम है प्लेयर बी का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे प्लेयर ए इज इक्वल टू मिनिमम गेन। अगर मिनिमम गेन होगा तो हम लोग उसको डिनोट करेंगे सर्किल से, अगर मैक्सिमम लॉस होगा तो उसको हम लोग स्क्वायर से डिनोट करेंगे। यानी ए के लिए हम लोग सर्किल का इस्तेमाल करेंगे और बी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे उसको डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो आते हैं हम लोग मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में अगर सबसे पहले हम लोग देख लें प्लेयर ए के लिए, ठीक है, प्लेयर ए कह रहा है प्लेयर ए मिनिमम गेन, तो मिनिमम गेन इसका क्या होगा? मिनिमम मतलब सबसे कम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 है, 5 है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू उसका 2 आ रहा है, तो हम लोग इसको सर्किल से घेर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर देखेंगे इस लाइन में, इसमें मिनिमम हम लोग देखेंगे गेन, गेन मतलब उसको प्राप्त हुआ कितना मिनिमम, तो 6 है, 7 है, तो मिनिमम आपका 3 हो गया, ठीक है, उसको सर्किल से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। फिर थर्ड में आएंगे, थर्ड स्ट्रेटजी में क्या हो जाएगा? 4, 8, तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो दोनों में कोई भी हो सकता है, ठीक है। यानी मिनिमम गेन हो गया। ए के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? मिनिमम गेन। अब आते हैं प्लेयर बी के लिए, तो प्लेयर बी कह रहा है मैक्सिमम लॉस। अब हम लोग आते हैं प्लेयर बी के लिए, ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा है मैक्सिमम लॉस, ठीक है, इसको डिनोट करेंगे हम लोग स्क्वायर से, ठीक है। तो मैक्सिमम लॉस अगर इसमें हम लोग देखें तो 4 है, 6 है, 10 है, तो मैक्सिमम सबसे हो गया 10, तो मैं इसका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो क्या होगा? 10 होगा, ठीक है, हम लोग प्लेयर बी की बात कर रहे हैं। फिर अगर इसमें आए, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम लॉस की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्ट्रेटजी में तो क्या हो जाएगा?
इसमें अगर हम लोग देखें मैक्सिमम लॉस, तो मैक्सिमम लॉस इसमें क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये जो है 4 दोनों में कॉमन है, ठीक है, प्लेयर ए में भी और प्लेयर बी में भी, अगर दोनों में कॉमन आ गया, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं सैडल पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? सैडल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और जो सैडल पॉइंट हम लोगों ने फाइंड आउट किया, यही वैल्यू ऑफ गेम होता है, ठीक है। अगर देखिए सैडल पॉइंट अगर किसी मैट्रिक्स में मिल जाता है तो वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स में सैडल पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है कुछ फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसका फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। अगर नहीं है सैडल पॉइंट तब, यानी उसको हम लोग कहते हैं मिक्स स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो यहाँ पे सैडल पॉइंट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सॉल्यूशंस ऑफ गेम, ठीक है, ए शुड अडॉप्ट स्ट्रैटेजी 3 एंड बी अडॉप्ट स्ट्रैटेजी 3, ठीक है। दोनों क्या कर रहा है, प्लेयर ए की अगर बात करें, ठीक है, तो इसका भी स्ट्रैटेजी क्या है, 3 में ही है, ठीक है, 4। और बी की भी बात करें तो उसका भी स्ट्रैटेजी 3 में ही है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का, प्लेयर ए और प्लेयर बी, दोनों का स्ट्रैटेजी क्या है, 3 ही है, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ गेम बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी हम लोग का यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ गेम अगर किसी में सैडल पॉइंट नहीं दिया रहता है तो उसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वैल्यू ऑफ गेम निकालते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखा है, 2 persons 2 cross 2 गेम्स विदाउट सैडल पॉइंट। अगर सैडल पॉइंट नहीं होता है, इसमें तो सैडल पॉइंट था तो वैल्यू ऑफ गेम को हम लोग फाइंड आउट कर लिया। अगर सैडल पॉइंट नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिक्स स्ट्रैटेजी पे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया है लेट द पे ऑफ 2 persons 2 cross 2 मैट्रिक्स लिया है, ठीक है, लेट किया मैंने, ठीक है, A11, A12, A21, A22, ठीक है। प्लेयर ए इधर है, प्लेयर बी इधर है, ठीक है। जब हम लोग इसको निकालेंगे, मान लेते हैं लेट P1 बराबर प्रोबेबिलिटी दैट ए विल अडॉप्ट स्ट्रैटेजी 1, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद P, सेम चीज लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी दैट ए विल अडॉप्ट स्ट्रैटेजी 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से Q के लिए हम लोग लेंगे यहाँ पे, ठीक है, Q1 बराबर क्या हो जाएगा, सेम चीज, प्रोबेबिलिटी दैट बी विल अडॉप्ट स्ट्रैटेजी 1, ठीक है। सिमिलरली Q2 बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट बी विल अडॉप्ट स्ट्रैटेजी 2, ठीक है। क्लियरली P1 प्लस P2 बराबर 1 हो जाएगा, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस Q1 प्लस Q2 बराबर 1 हो जाएगा, 1 और 2 मान लिए, ठीक है। जब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं उसके बाद हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर P1 बराबर क्या हो जाएगा, A22 माइनस A21 बाय A11 प्लस A22 माइनस A12 माइनस A21, ठीक है। नीचे जितना देख रहे हैं सबके नीचे वही सेम वैल्यू होता है, देखिए P1 P2, ठीक है, सेम वैल्यू आपको जो है इसको याद रख सकते हैं आसानी से, ठीक है। यानी नीचे सबके नीचे सेम है, ठीक है, A11 प्लस A22 माइनस A12 माइनस A21, ठीक है। इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, और वैल्यू ऑफ गेम के नीचे भी सेम रहता है, ठीक है। आपको सिर्फ याद करना है ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे P1 बराबर क्या हो गया, A22 माइनस A21 बाय सेम हो जाएगा। उसके बाद P2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस P1, ठीक है, 1 माइनस P1, तो ये हो जाएगा A11 माइनस A12 बाय A11 प्लस A22 माइनस अगर कॉमन ले लेंगे यहां से तो सेम वही वैल्यू है, बस माइनस कॉमन ले लिए यहां पे, तो A12 प्लस A21, ठीक है। उसके बाद Q1 का हो जाएगा A22 माइनस A12 बाय सेम चीज, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, A11 माइनस A21 बाय A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21, और वैल्यू ऑफ गेम हो जाएगी इसका क्या, A11 A22 माइनस A12 A21 बाय A11 प्लस A22 माइनस A12 माइनस A21, ठीक है। इन फॉर्मूले को अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो 2 persons 2 cross 2 गेम्स विदाउट सैडल पॉइंट से आसानी से हम लोग क्या निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ गेम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप यहाँ पे
कुछ जो फॉर्मूले है इसको आप याद रख लीजिए। उसके बाद हम लोग अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे, पहले देखेंगे कि सैडल पॉइंट है तो एक दो एग्जाम्पल इसका भी लेंगे कैसे निकाला जाता है। उसके बाद मिक्स स्ट्रेटजी का लेंगे हम लोग, जिसमें सैडल पॉइंट नहीं होता है, विदाउट सैडल पॉइंट में जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 3x3, हो सकता है 4x4 की मैट्रिक्स हो, 5x5 की मैट्रिक्स हो, उसको हम लोग कन्वर्ट करके लाते हैं 2x2 मैट्रिक्स में, उसके बाद वैल्यू ऑफ गेम निकालते हैं। ठीक है, तो अपकमिंग लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।